आपको महाराज श्वेत चक्रवर्ती की कहानी पता है? श्रीकाकुलम श्री कुर्म क्षेत्र है, उसका पहले का नाम था श्वेतगिरी। वहां पे एक राजा हुआ करते थे, राजा श्वेत चक्रवर्ती। और उनमें इतनी भक्ति नहीं थी, बट उनकी जो पत्नी थी वो बहुत अच्छी भक्त थी, उसका नाम था विष्णुप्रिया। तो एक दिन उसने व्रत लिया, उपवास किया था उसने। तो जब वो उपवास किया, भगवान की पूजा कर रही थी, तो महाराज श्वेत चक्रवर्ती जो है रानी के अंतर भवन में आए और रानी के साथ भोग करना चाह रहे थे। तो विष्णुप्रिया ने बोला कि नहीं, भोग तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि मेरा तो व्रत है, मैंने तो उपवास किया है आज। तो श्वेत चक्रवर्ती उसके ऊपर गुस्सा हो गए, बोले तुम जो है पतिव्रता नारी नहीं हो, तुम अपवित्र हो, तुम्हारे पति की बात तुम नहीं सुनती हो। अब उसकी कोई गलती थी क्या? वो अपने पति की बात नहीं सुन रही है? वो सुन रही है, वो तो हायर पर्पस के लिए नहीं सुन रही है, क्योंकि उसने व्रत लिया है। लेकिन उसके पति जो है, तुम पतिव्रता नारी नहीं हो, ये तुम मेरी बात नहीं सुन रही हो, मैं तुमको कुछ बोल रहा हूँ और तुम जो है मेरे साथ नहीं दे रही हो। और पत्नी बोले मैं नहीं दे सकती साथ, क्योंकि मैं जो है व्रत में हूँ, उपवास में हूँ। अब पत्नी ने क्या किया है, भगवान को प्रे करना शुरू किया कि मेरे को आप बचाओ, मैं अपना व्रत नहीं तोड़ना चाहती। तो तभी का तभी भगवान ने क्या किया, श्वेत चक्रवर्ती महाराज और विष्णुप्रिया रानी के बीच में पानी की बाढ़ छोड़ दी, और एकदम पानी जो है उनके महल के अंदर में सब जगह फैल गया। और वो पानी की जो बाढ़ आ रहा है, वो महाराज चक्रवर्ती श्वेत चक्रवर्ती के पीछे पीछे जाने लगा। और फिर महाराज ये पानी से बचने के लिए जो है एक पहाड़ के ऊपर चढ़ गए, और फिर वहां पे नारद मुनि आए, और फिर महाराज ने बोला कि अब मैं क्या करूं, ये पानी के जो फोर्स है मुझे छोड़ नहीं रहा है, मेरे पीछे पीछे आ रहा है ये पानी। तो फिर नारद मुनि ने कहा कि भगवान के जो अलग अलग अवतार होते हैं वो अलग अलग पर्पस सर्व करते हैं। तो ये जो कूर्म अवतार होता है भगवान का, उसका मेन काम है कि जो भक्त अगर कोई प्रतिज्ञा करता है या साधना के लिए कोई एक चीज व्रत लेता है, या भक्त कभी कोई व्रत लेता है, तो वो व्रत पूरे करने के लिए आपको शक्ति चाहिए, क्योंकि आप व्रत पूरा करना चाहोगे लेकिन आसपास के लोग आपको व्रत पूरा नहीं करने देंगे। तो व्रत पूरा करने का शक्ति जो है वो कूर्म अवतार देता है। कैसे? कि आप देखते हो कूर्म अवतार बहुत भारी है, और कूर्म अवतार क्या होता है, एकदम जो अर्थ को जो है लग के रहता है। तो आपके व्रत को सफल करने की शक्ति जो है कूर्म अवतार में होती है। तो आप कूर्म देव की प्रार्थना करो, क्योंकि आपकी पत्नी जो व्रत करना चाह रही थी, उपवास करना चाह रही थी, उसने कूर्म देव की प्रार्थना की है, इसलिए कूर्म देव ने उनको बचाने के लिए ये किया है। तो फिर वो साथ ही साथ कूर्म देव की प्रार्थना करते हैं। उसके बाद बहुत बड़ी कहानी है, मैं संक्षेप में बता रही हूँ, और कैसे वहां पे कूर्म रूप में भगवान जो है वहां अवतार, मतलब वहां पे दर्शन देते हैं। और तब से जो है श्री कूर्म में वहां कूर्म देव के जो विग्रह की पूजा होती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पति और पत्नी का दोनों की स्पिरिचुअल लेवल बहुत ज्यादा डिफरेंट है। जब स्पिरिचुअल लेवल डिफरेंट होगा तो क्लैश तो होगा। तो उसके बावजूद भी आप भक्ति में अगर स्थिर रह पाओ तो आप भक्ति में आगे बढ़ रहे हो, डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए। सब कृष्णा 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 लगे, सब कृष्णा 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 लगे, सब कृष्णा कृष्णा।